करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद सुपर मॉम पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल से बर्गर। बर्गर वैसे भी सभी को बहुत पसंद होता है और बच्चे को तो स्पेशली बहुत ही पसंद रहता है। तो आइए हम मूंग दाल का बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल के बर्गर बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मूंग दाल, जिसे मैंने 4-5 घंटे से भिगा लिया था, 4 चम्मच सूजी, ऑयल, और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये हल्दी, नमक, और ये काली वाली सरसों, और ये बेकिंग पाउडर, और 5 आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। और बर्गर के लिए हमने प्याज काटा है 2 इस तरीके से, 2 टमाटर काटे हैं हमने इस तरीके से, खीरा काटा है, और मिर्च को हमने इस तरीके से काट लिया है। यदि आप बच्चे के लिए बर्गर बना रहे हैं तो आप मिर्च स्किप कर दीजिए। और ये मिर्च 4 मैंने काट के रखा है। तो आइए हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम मूंग दाल बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस दाल को पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीस लिया, इसे हमने बिल्कुल बारीक पीसा है, ये देखिए। अब हम इसमें सूजी मिलाते हैं, ये देखिए हमने 4 चम्मच सूजी भी मिलाया है, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यदि आपको पानी की जरूरत पड़े तो इसमें पानी मिला लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी लगा है, मैंने पानी से इसे पतला कर लिया है। इसमें हमने सूजी डाला है, इसीलिए हम इसे 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे, ताकि सूजी एकदम से फूल जाए। तो आइए इसे हम 10 मिनट के बाद देखते हैं, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इस आलू से इसका टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब हम इसमें 2 स्पून ऑयल डालेंगे, और ये काली वाली सरसों डालेंगे, जब तक हमारा सरसों चटक रहा है तब तक हम दूसरे गैस पे बर्गर बनाने के लिए पानी बॉइल करना चला देते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बर्तन लिया है, इसमें हमारा एक बार में 4 बर्गर बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये वाली कटी वाली मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे पिंच भर हल्दी, नमक 1/2 चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब तक ये मिल रहा है तब तक हम इस आलू को जो हमने लिया है इसको मैश कर लेंगे। ये हमने आलू मैश कर लिया, अब हम इस आलू को इसमें डालेंगे और इसे 2 मिनट तक इस तरीके से दबा दबा के चला लेंगे, ओनली 2 मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 ग्लास पानी डाला है और एक स्टैंड सेट कर दिया है, और इसे अब मैं ढक के 4-5 मिनट तक उबलने दूंगी, ताकि इसमें से भाप निकलने लगे। ये हमारा आलू हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारा सूजी भी फूल गया है, इसे हम थोड़ा सा पतला और करेंगे, ताकि क्योंकि ये सूजी फूल के बहुत ही गाढ़ा बैटर हो गया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच के आसपास,
ये चार बर्गर का एवरेज है, तो आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग लें। ज्यादा बना रहे हैं तो आप ज्यादा लें, कम बना रहे हैं तो कम लें। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, जितना हम बेकिंग सोडा डालेंगे उससे डबल हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये हमने आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और हम बेकिंग पाउडर पूरा एक चम्मच भर के लेंगे। ये देखिए पूरा एक चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला है और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने मिला लिया है, इस तरीके का बैटर है। तो आइए हम बर्गर बनाने के लिए चार कटोरी लेते हैं। ये देखिए मैंने चार कटोरी लिया है इस तरीके से, एकदम एक ही शेप का है। ये चार कटोरी हमारा उस बर्तन में आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर में ऑयल लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें ऑयल लगा लिया है और अब मैं इसमें सब में बटर पेपर भी लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, इससे अच्छे से छूट जाता है इसीलिए मैं लगा रही हूँ, पर लगता नहीं है। आप बिना इसको लगाए भी बना सकते हैं अच्छे से तेल लगा के। ये देखिए अब हम सब में बैटर डालेंगे। ये बिल्कुल इडली स्टाइल बर्गर है और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये दाल से बनाया गया है और मूंग दाल में तो बहुत ही प्रोटीन होता है। और हमें ध्यान रखना है, हमें आधा कटोरी ही भरना है, पूरा भर के नहीं देना है। ये देखिए मैंने चारों कटोरी में डाल दिया है। ये हमें एकदम ध्यान रखना है कि ये आधा कटोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फूल के यहाँ तक आ जाएगा। तो आइए हम इसे इस बॉइल्ड हुए पानी में सेट करते हैं। ये देखिए पानी बॉइल्ड हो रहा है। अब हम इसमें अच्छे से एकदम बिल्कुल सेट करके इस तरीके से डालेंगे। यदि आपके पास इडली का स्टैंड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सेट कर दिया है और इसे हम ढक देंगे। 15 से 20 मिनट इसको पकने में लगेंगे और इसे हम टूथपिक से डाल के देख लेंगे कि ये हुआ है या नहीं। तो इसे हम 15-20 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये देखिए हमारा बर्गर फूल गया है एकदम। इसे चेक करने के लिए हम किसी सीख से या टूथपिक से ऐसे देखेंगे, इसमें चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा बर्गर बन गया है। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम आराम से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है। इसे 2 मिनट हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे पलट कर किसी थाली में निकाल लेंगे। 2 मिनट हो गया है। अब हम चाकू की मदद से इसको चारों तरफ से इसको छुड़ा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कटोरी से निकाल लिया है इस तरीके से। अब हम इसे बीच से कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हम इस तरीके से इसे बीच से चाकू की मदद से काट लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से एक का दो पार्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारा काट लेते हैं, फिर हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम इसको बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम दोनों साइड अलग अलग कर लेंगे। दोनों साइड में सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे। ये देखिए हमने सॉस लगा लिया है। अब हम इसमें खीरा, प्याज, टमाटर इस तरीके से लगाएंगे। खीरा, टमाटर, प्याज और जो हमने आलू फ्राई किया था उसे हमने गोल बना के इस तरीके से टिक्की के आकार का हमने बना लिया है। आप चाहे तो मक्के वाली टिक्की भी यूज कर सकते हैं या इसे फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल बिना फ्राई किया हुआ यूज किया है। और इसे हम इस पे इस तरीके से डाल देंगे और इस पे फिर से हम एक बार खीरा, प्याज और टमाटर लगाएंगे और हम इसमें मिर्च भी डालेंगे। यदि आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च स्किप कर दीजिए, यदि वो तीखा नहीं खाते हैं तो। और अपने बच्चों के लिए जरूर ये बर्गर बनाइए, क्योंकि ये बर्गर
जितना ही टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है, क्योंकि ये दाल से बना हुआ है। देखिए हमारा बर्गर बनके तैयार है, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने सारे बर्गर तैयार कर लिए हैं, और हमने फ्राई करने के लिए इस तवा को गैस पे चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। एकदम ऑयल हम इस तरीके से डालेंगे पूरा फैलाकर, और इसमें बर्गर फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत टेस्टी हो जाएगा। हमारा तेल गरम हो गया है, और हम बर्गर को इस तरीके से आराम से डालेंगे और इसे थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई होने देंगे। ये देखिए हमारा नीचे का तला एकदम से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने पलट लिया है, देखिए कितना एकदम बर्गर की तरह ही लग रहा है, मूंग दाल बर्गर। ऐसे हम दबा दबा के थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए हमारा बर्गर दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारा बर्गर अपना फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम क्रिस्पी। इसी तरीके से हम अपना सारा बर्गर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बर्गर बन के तैयार है। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।